अब आप अगर मुझे थोड़ी सी कम ताव में देते तो हम जल्दी पहुंच जाते। Hey guys, welcome back. So, भाई हो गई अपने दिन की शुरुआत बढ़िया एंड आज है सैटरडे तो हमें फ्री और सारे काम निपटाने हैं, बहुत सारे काम हैं। तो हाँ सो अभी मैं मम्मी जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा काम है वहाँ पे भी मार्केट में। एक्चुअली उस दिन हम आपको याद होगा हम कुर्ते का कपड़ा लेके आए थे तो उनकी शॉप का ना जो कपड़ा था ना वो गलती से हमारे बैग में आ गया था तो वो हमको वापस करके आना है बिकॉज वो हमने ख़रीदा नहीं है तो वो उनको वापस करना है और एक दो काम और है मार्केट में फटाक से करके आते हैं। चले चलो गाइस अपन तो नीचे जा रहे हैं, मम्मी आएंगी एंड भाई धूप बड़ी तेज़ हो रही है तो अपन ने थोड़ा सा जो है गूगले लगा लिए, गूगले ज़रूरी भी है। सो गाइस ये रही अपनी धन्नो जिस पे अपन हम जाने वाले हैं। एंड गाइस अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, मुझे टैग करो और जो है मैं उसको रीशेयर करूँगा, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लेके करो पोस्ट, बढ़िया। फिलहाल अपन निकलते हैं, बढ़िया। मम्मी पता नहीं कहाँ रह गए। मम्मी आओ यार, अपन नीचे खड़े हैं तैयार व्यार होके, मम्मी पता नहीं कहाँ है। तो भाई पहले धन्नो को खाना खिला दे, बड़े दिन से उसने खाना खाया नहीं है, पेट्रोल डल रहा है, पहले पेट्रोल डलवाते हैं एंड फिर निकलेंगे। तो गाइस बाटिया साहब को भी किडनैप कर लिया दुकान से, चले इनको भी शॉपिंग करा के लाते हैं आज। सो गाइस आ गए घर पे, एंड आई विल टेल यू इतनी भीड़ थी भाई मार्केट में, रमजान की इतनी रौनक हो रखी थी भाई साहब, व्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिला, हाथ ही नहीं खाली हो रहा था, कहाँ से व्लॉग करता हूँ, इतनी भीड़, इधर धक्का उधर धक्का। मैं कहा भाई घर चलो कुछ जो सामान लेने गए थे कुछ भी नहीं ले पाए, थोड़ा बहुत जो लेना था वो लिया, बाकी फिलहाल जो है बहुत भीड़ थी। सो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि मेरे को फरहान ने इनवाइट किया है इफ्तारी पे एंड जो है मेरी लाइफ की फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं इफ्तारी पे जा रहा हूँ बिकॉज अभी आपको पता ही है रमज़ान का महीना चालू है तो इफ्तारी जो है वो चल ही रही है, तो फरहान ने आज हमको इनवाइट किया है तो मैं तो बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इफ्तारी के लिए। तो हाँ सो ये चीज़ भी मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है कि मतलब अलग अलग कल्चर कैसे हैं उनको देखना, उनको जानना। तो हाँ सो अभी अपन जा रहे हैं, बस रेडी हो चुके हैं, वेट कर रहे हैं बस भाई का, भाई के साथ जाएंगे बढ़िया एकदम और फिर बस इफ्तारी का आपको दिखा देंगे कैसे मनाते हैं सब वो इफ्तारी। सो गाइस इफ्तारी में करते क्या है वो तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि रोज़ा खुलता है एंड जो है मीठा खाते हैं, तो अभी अपन आए हैं थोड़ा सा मीठा पैक कराने ताकि थोड़ी सी मिठाई लेके जाएं उनके लिए, तो करा लेते फटाक से पैक। सो भाई पैक करा लिया अपन ने मिठाई, अब मेरे को मैंने पूछा भी नहीं यार, अच्छा नहीं लगता ना पूछ के, तो फिर तो अपने हिसाब से जो मुझे समझ आया मैं वो ले लिया। और अनुराग भाई भी आ गए, ओहो क्या मूछ है, मूछ है क्या बात भाई, राउडी राठौर बन गए क्या, राउडी हो गया। हेलो फरा, सॉरी फरा हम लेट हो गए। अच्छा अच्छा ओके ओके, तो गाइस हम थोड़े से लेट हो गए बट कोई नहीं, बहुत ज्यादा लेट, यू आर 40 मिनट्स लेट। क्या बात, बोथ ऑफ यू 40 मिनट, ये इनके मूंछों को ताव नहीं मिल रहा था, ये अपने मूंछें संवारने में लगे पड़े थे, आप थे कहां, मैं इनका वेट कर रहा था खड़े हुए थे, मैं देखा ऐसे ऐसे कर रहे थे मूंछों को कोने में खड़े हुए। हेलो फरा, सॉरी फरा हम लेट हो गए, हैप्पी रमजान। अब आप अगर मूछे थोड़ी सी कम ताव में देते तो हम जल्दी पहुंच जाते, ये देखो अभी भी मूछों को ताव दे रहे हैं, मतलब अपन इस चीजों से फ्री हैं, अपनी है ही नहीं, बढ़िया। 6:45 ओ भाई गुस्सा हो रखे फरा, ले लाइट भी चल गई, इतना क्या गुस्सा हो रहा है भाई, इतना ये तो बताओ जल्दी बताओ यार, इनके मिन के मूछे नहीं सेट हो रही थी ना, मैं बोलता रहा हूँ। अरे यार ऐसे मत करो यार, मैंने दोपहर का लंच छोड़ा हुआ है इस चक्कर में। सो गाइस खूब बातें हो गई, खूब डांट खा ली फरा से, बट अभी जो है इफ्तारी तैयार हो चुकी है एंड जो है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, देखने में तो बड़ा मजा आने वाला है आपको, अनुराग भाई को देखो कितना मजा आ रहा है भाई। चलो अपन खाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज इफ्तारी किस तरीके से तैयार हुई है। गाइस ये देखो आगे हमारी इफ्तारी की थाली और जो है सब कुछ है, कितना अच्छा अच्छा लग रहा है, मेरे को तो मैं रुका नहीं जा रहा, मैं खा लेता हूँ फिर आप सबसे मिलते हैं।
तो भाई ला गया हूँ घर पे एंड आप सोच रहे हो भाई खाए पिए और खिसके, ऐसा नहीं था भाई। आप टाइम देख लो पीछे क्या हो रहा है, 11 बज रहे हैं एंड जो है कितनी बातें बातें में लग गए हम लोग, इतनी मस्ती करी सबने, बातें बातें चल रही थी। मैंने कहा ब्लॉग थोड़ा सा कम करते हैं आज, थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं, तो हमने बस उधर इन्जॉय किया। बट आपने देखा कितनी अच्छी इफ्तारी, कितनी सही से था, इतना कुछ था खाने को भाई, पूरी टेबल सजी पड़ी थी, तो बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइट करने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो हाँ, सो फिलहाल अभी घर आ गया हूँ बढ़िया एंड जो है अब खाना खा लो, क्योंकि मैंने 6:30 बजे खाया था, 7 बजे के आसपास, अब 11 बजे, अब थोड़ी सी भूख मेरे को और लग रही है, थोड़ा सा और खाऊंगा। सो गाइस कर लिया डिनर बढ़िया एकदम एंड जो है अब जा रहा हूँ मैं सोने यार। मैं एडिटिंग भी शायद ही करूँगा आज, क्योंकि यार मेरा हो रहा है सर में दर्द बहुत गंदा, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, नींद आ रही है एक तरीके से। सुबह सोए नहीं आज, छुट्टी छुट्टी के मारे ना सोए नहीं, काम वाम में इतने बिजी थे, बच्चों के साथ इतने बिजी थे, सो ही नहीं पाए। बट आज के वीडियो में आपने देखा मैंने इफ्तारी करी फर्स्ट टाइम, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा जाके और जो है इफ्तारी करके। तो हाँ, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टाटा।